खबर गाजीपुर जनपद से, जहां जखनिया ब्लॉक के ग्राम सभा धामुपुर में वीर अब्दुल हमीद का 58वां शहादत दिवस मनाया गया। बता दें कि वर्ष 1965 के भारत और पाकिस्तान के बीच हुए भीषण युद्ध में पाकिस्तान को अमेरिका से मिले शात पैटर्न टैंक को नष्ट करने के पश्चात शहीद हो गए थे। इसलिए वीर अब्दुल हमीद का 58वां शहादत दिवस 10 सितंबर को उनके पैतृक गांव धामुपुर में उनके नाम से बने शहीद पार्क में मनाया गया। इस बार के कार्यक्रम में जिला प्रशासन का कोई उच्च अधिकारी नहीं मौजूद थे। परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि देने मुख्य अतिथि मोशीम रजा, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, उप जिलाधिकारी कमलेश सिंह, खंड विकास अधिकारी त्रिवेणी राम, ग्राम सचिव राज कमल, गौरव सरवन सिंह, सिटी हड्डी अस्पताल सर्जन डॉक्टर केपी सिंह, समाज सेवी अनिकेत चौहान ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के आयोजक वीर अब्दुल हमीद के पुत्र जैनुल हसन और उनके पोते परवेज आलम के द्वारा किया गया। राज्य मंत्री वक्फ हज अध्यक्ष मोहसिन रजा ने बताया कि ऐसे लोग देश की धरोहर होते हैं, उनके लिए जो कुछ भी किया जाए वह कम होगा। देश के सच्चे सपूतों में इनकी गिनती होती है। वहीं सेना की तरफ से ब्रिगेडियर राजीव नारायण विशिष्ट सेवा मेडल की तरफ से लाए गए पुष्प चक्र को शहीद की प्रतिमा पर अर्पित किया गया। 39 जीआरसी की तरफ से ब्रिगेडियर राजीव नारायण विशिष्ट सेवा मेडल एवं कर्नल कुमार मनोज सिंह भी अन्य सेना के अधिकारी मौके पर उपस्थित थे। उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर सलामी देते हुए माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। हर साल आर्मी की तरफ से यहां पर बैंड की धुन और सलामी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो उन्होंने उस 1954 में जब बहुत बाढ़ आ गई, बहुत जबरदस्त तबाही मचा रही थी, उसमें उन्होंने एक डोंगी बनाई थी और डोंगी से 57 लोगों की जान बचाने का काम किया था। उस समय वो किशोर अवस्था में थे। 57 लोगों की जान उन्होंने बचाई थी उस बाढ़ के दौरान। यहां पर एक मोहर्रम की प्रथा होती है, मोहर्रम में लठमार कोई छत्या वो होता है, कोई खेल होता है मोहर्रम के जुलूस के बाद। उसमें उनके दादाजी भी बहुत बड़े लठमार थे, उनके बारे में मशहूर था कि वो बड़े बड़े लोगों को परास्त कर दिया करते थे। वो एक प्रदर्शन होता था कि किस तरह से हम लोगों ने करबला के शहीदों को कैसे याद करना है और वहां पर अनुशासन में रहते हुए कैसे लड़ाइयां जीती जाती थी, वो उसके लिए लठमार के लिए जाने जाते थे। तो उन्होंने 16-17 लोगों का ग्रुप था और उस ग्रुप में जब वो जा रहे थे, वो देख रहे थे कि ये सब नौजवान लड़के हैं और सबके हाथ में लाठियां हैं, मुझे भी लाठी से डिफेंस करना है। हम बैठे हैं लेकिन हम मूवमेंट में हैं। आप ये समझिए, हर एक आदमी इस मोशन में है। तो लेट अस मेक आवरसेल्फ प्राउड टू दिस कंट्री। इस देश को हमको कुछ दे के जाना है। हम ऐसे नहीं मरेंगे, हम तो नहीं मरेंगे ऐसे। तो हम कुछ डेडिकेट करें अपने कंट्री के लिए। हर एक आदमी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन जो देता है वो उसके लिए प्राउड मूवमेंट होता है। देखिए, आज हमने चंद्रयान पे जो काम किया, जो प्रज्ञान करने वाला है, ये कोई मामूली कोई आसान सी चीज़ नहीं। हम देखते हैं वहाँ पर लॉन्च हो गया, टीवी में लोग तालियां बजा लेते हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। लेकिन उस मेहनत से जब हम आज आके और ये गर्व महसूस करते हैं कि हमने कुछ कर लिया, हमने मतलब हमारे देश ने किया, हमारे युवाओं ने किया। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सारे लोग बैठे हैं, आप उनसे हेल्प लीजिए। और मैं आज पॉलिटिकल लीडर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर कोई एनसीसी या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मॉक ड्रिल वगैरह शुरू करें जिसमें यूथ आए, अपने आप को प्रूव करें और किसी भी फील्ड में जाए वो उनके ऊपर। बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच। मैं कोई